अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहनाज ने बोला मैं बीमार हूँ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ दोस्तों, शहनाज ने ये खुद कहा है अपने ही शो में। आप हो सके तो शहनाज का फुल इंटरव्यू देख सके, शहनाज का देसी वाइब शो जहाँ पर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का पूरा शो है मौजूद है दोस्तों। वहीं पर शहनाज ने कहा कि जब मैं डॉक्टर से मिली, जब मैंने अपना चेकअप करा तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दो वर्ड कहा था, तो शहनाज कहने लगी कि मैं वो सुनते ही रोने लगी, मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आता है। तो फिर मैंने क्या करा कि एक गुलदस्ता था नकली फूल का, उस पर ग्रीन कलर लगा होता है, जैसे पत्तियों पे ग्रीन कलर रहता है नकली फूल का, तो मैं उस पर पेंटिंग करने लगी। रंग बिरंगी मैंने पेंटिंग करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक पेपर पर उसे झटकना। जी हाँ दोस्तों, शहनाज ने उसे झटका पानी लगा कर, तो वो जो पेपर था उसने एक अलग आकार ले लिया और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। और मैं उसे देखने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये मैंने क्या किया, और उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। तो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि जी हाँ, हम कुछ ऐसा करते हैं जो अनजाने में हो जाता है लेकिन वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट की बहुत अच्छी निशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें हुई थी जिसके कई राज, कई दिल की बातें शहनाज ने भी उन्हें बताई है, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी शहनाज से अपने कुछ ऐसे किस्से सुना है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। प्लीज़ दोस्तों, आप शहनाज का ये शो पूरा देखिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए शहनाज के शो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस तक पहुँचे। और दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सुनकर कितना अच्छा लगा शहनाज की बातें।